रीजनल पार्टीज़ भी पर्सनालिटी बेस्ड जो पार्टीज़ पावर फैमिली बेस्ड जो सिस्टम uh, है उनका क्या आप सोचते हैं कि देर विल बी अ टाइम की रिबेलियन हो जाएगा ये फैमिली बेस्ड नहीं होगा जैसे uh, शिवसेना के साथ uh, जो हुआ कि फैमिली नहीं देखना आपने uh, मतलब कि uh, शिंडे हैज़ कम आपकी हाँ आप ये नहीं समझ सकते कि आप uh, बाल ठाकरे से उद्धव उद्धव से आदित्य ऐसे नहीं होगा लेकिन इट हैपन सिंपथी फैक्टर काम कर गई कि आप उत्तराधिकारी जो हैं वो दादा से बेटा बेटा से उसका बेटा ऐसे चल रहा है जी हमारा समाज जो है वो अभी लोकतंत्र के मूल्यों को डाइजेस्ट कर नहीं पाया है हमारा सिस्टम डेमोक्रेसी है थॉट प्रोसेस मोनार्की वाला है वाह तो हमें बहुत जेन्यन लगता है कि बाप की सत्ता बेटे को मिलनी चाहिए बेटा नहीं है तो बेटे को मिलनी चाहिए नहीं तो बेटे को मिलनी चाहिए अगर इंदिरा गांधी का भाई होता तो क्या होता इस देश में इंदिरा गांधी का भाई नहीं था इसलिए वो पीएम थी कोई भाई होता तो देश को भी एक्सेप्ट नहीं करता तो कल्चरल नॉर्म्स अलग होते हैं हमारे दिमाग में बैठा हुआ कि सत्ता बेटे को और ये जिसको हम बोलते हैं नेपो बोल दिया या राहुल गांधी वंशवादी ये सब बेकार की बातें इसलिए हैं हम हर जगह वंशवादी हैं फिल्मों में एक्टर्स हों प्रूसर्स डायरेक्टर्स उनके बच्चे वही बनते हैं वकीलों के बच्चे वकील बनते हैं जजेस के बच्चे जज बनते हैं आई एस आई में एग्ज़ाम होता है उसके बाद भी कोशिश होती है कि बच्चे आई एस आई बन जाएं। हर फील्ड में पॉलिटिशियंस के बच्चे पॉलिटिशियंस बनते हैं जब हर फील्ड में पेरेंट्स से बच्चे सीखते हैं प्रोफेसर्स के बच्चे प्रोफेसर्स बनते हैं और ये बहुत मेजर है और आप एक ही फील्ड के पीछे पड़ जाए पॉलिटिक्स में ही ये चौधरी देवीलाल से पूछा गया था कि आप चौटाला मतलब अपने बेटे को क्यों है तो पत्रकार को बोला कि मैं अपने बेटे को नहीं करूंगा तो थारे बेटे को करूंगा <laughs> वो भी है <laughs> इसमें एक पक्ष ये भी है कि हाँ। मतलब जिसको महात्मा गांधी की भाषा में कहूं तो जो बच्चा अपने परिवार के परिवेश में सीखता है उसकी भी तो वैल्यू है मैं सोचता हूँ कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स पॉलिटिक्स में हैं तो उसने बचपन से पॉलिटिकल माहौल को जो सीखा होगा वो कोई दूसरा बच्चा बहुत आराम से कैसे सीखेगा इसलिए थोड़ी सी एडवांटेज उस बच्चे को मिलती है हर इंडस्ट्री में मिलती है जो आई का बच्चा आई बनता है उसको पहले से बहुत चीज़ें पता होती हैं जो बाकी बच्चों को नहीं पता होती हैं वहाँ जा सीखते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होते रहना चाहिए पर मैं कह रहा हूँ कि किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए खारिज कर देना कि उसके पिता ने कुछ किया है या माँ ने कुछ किया है ये भी ठीक बात नहीं है तो वो बच्चे पॉलिटिक्स में जाएं क्यों जब पता है कि इतने फायर वॉल्स हैं कि मैं उस उस मकाम पे पहुंच नहीं सकता क्योंकि वो फायरवॉल है मतलब जो पार्टी का नेता फाइनल नेता तो वही बनेगा जो देखिए भारत की पॉलिटिक्स में आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए जो टॉप दो लोग होंगे या तो वो एक परिवार के होंगे या बहुत गहरे दोस्त होंगे तीसरा हु ऑप्शन नहीं कारण ये कि जब हम पावर में होते हैं टॉप पे होते हैं जैसे मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री हूँ मुझे पता है कि पार्टी का हेड अगर मेरा बहुत क्लोज नहीं है तो मैं हमेशा खतरे में रहूँगा तो क्या होगा कि एक ही घर के दो लोग हस्बैंड मुख्यमंत्री है वाइफ पार्टी के अध्यक्ष है क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी हो जाए ये धोखा नहीं देगी मुझे उसको भी भरोसा कि ये धोखा नहीं देगा या बाप सीएम है बेटा पार्टी अध्यक्ष है वो चल जाएगा कहीं कहीं परिवार का सिस्टम नहीं चल पाता है जैसे मोदी जी हैं वो परिवार उस तरह से उनके पास नहीं है असुरक्षा उनको भी है अगर पार्टी का अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति बन गया जो उनके खिलाफ है हाँ। तो सारी एनर्जी वहीं खर्च हो जाएगी तो उन्हें पार्टी का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके और आरएसएस वो भी एक एंगल है एक एंगल वो भी हो सकता है तो वो अमित शाह हो सकते हैं नड्डा जी हो सकते हैं जिनपे बहुत भरोसा होगा अरविंद केजरीवाल फैमिली बेस्ड पार्टी वाले आदमी नहीं है हाँ, तो उनका उनको मनीष सिसोदिया चाहिए जिस पर आँख बनकर भरोसा कर लें जो जो, ये से, से जो वो, पर... वो, हम बाद में बात करते हैं हाँ। लेकिन जो स्ट्रक्चर है पॉलिटिक्स में हाँ। या कंपनीज के जो उसमें सबसे टॉप पोजीशन पे है उसको नंबर दो पे हमेशा वो व्यक्ति चाहिए जो जिस पर आंख बंद करके भरोसा हो सकता है तो मैं मजाक में कहता हूँ कि इस देश में दो ही वाद है या परिवारवाद या यारवाद <laughs> उसके बिना काम नहीं चलेगा चल भी नहीं सकता ना हाँ। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मेरी पार्टी का अध्यक्ष मेरे खिलाफ कोई है मैं कैसे काम करूंगा तो बस इतना ही अंतर है कि कहीं वंश के नाम पे चलेगा कहीं दोस्ती के नाम पे चलेगा पर हाँ। चलेगा वही व्यक्ति जिस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है लेकिन कॉपोरेट सेक्टर में कहते हैं लॉयल्टीज एंड ओवर आ... ओवर एम्फोसाइज वर्ड आजकल तो लॉयल्टी कोई चीज़ होती ही नहीं है क्यों नहीं होती है कि दो साल में नौकरी बदल दी कहीं और चले गए वो नौकरी वालों की बात हो रही है हाँ टॉप पोजिशन पे लोग हैं उनकी लॉयल्टी हाँ। हमेशा देखेगी और इसलिए आप देखेंगे कॉरपोरेट में जब कोई टॉप लेवल पे छोड़ता है साथ लोग दस लोग साथ में छोड़ते हैं हाँ। पूरी टीम छोड़ती है क्योंकि वो लॉयल है बहुत ज्यादा एक दूसरे पर भरोसा है मीडिया में तो खूब मैंने सुना ऐसा होता है कि एक बड़ा एंकर किसी चैनल पर गया साथ में दस की टीम और आती है

अगर आपको किसी भी संगठन में नंबर दो पे जाना है हाँ। loyalty is the basic criteria. और लॉयल्टी में blindness चाहिए, मतलब कि आप जो नेता है जो जो बिल्कुल टॉप पे है उनके आप फॉल्ट्स फ्लॉज उसको बिल्कुल नजरअंदाज करके तो नजरअंदाज करें या इस तरह से बताएं जिस तरह से वो सुनना चाहता है हुँ। और भरोसा और बढ़ता है उसमें तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इम्पोर्टेंट बहुत मेजर है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत है। हाँ। तो वो सिर्फ सिर्फ कम्युनिकेशन भाषण देने में नहीं इंटरपर्सनल स्किल्स इंटरपर्सनल तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है हाँ। जैसे मान लीजिए आप इस कंपनी में मेरा ख्याल है कि आप इसके मालिकी है आप कोई ऐसा डिसीजन लें जो उतना ठीक नहीं है आप कुछ भी कर लें या मैं कुछ भी कर लूं आप अपने आसपास पास ऐसे लोग चाहेंगे जो लॉयल हों और जिनसे आप बात आराम से कर सकती हूँ ऐसा मैं भी फील करता हूं अब मेरे साथ जो मेरी मेन टीम में सात आठ लोग हैं वो सीनियर मोस्ट लेवल पे पर हमारी कंपनी में उन सब से मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ हम रोज बैठते हैं चाय पीते हैं बात करते हैं पर जितना वो नीचे देख पा रहे हैं मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मेरा कनेक्शन तो कम है मान लीजिए एक दिन को एक कोई फैसला करना है मैंने एक फैसला किया जो कि गलत हो गया है अब उन सबको चिंता भी है कि गलती हो रही है ये भी पता है कि वो नहीं बताएंगे तो कोई और नहीं बताएगा तो उनमें से जो हेड होगा उन सबका सीनियर या कोई और फिर मुझे मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे कि सर एक थोड़ी सी बात करनी है तो मैं पूछूंगा बताओ क्या बात है सर मिलना है तो मिलेंगे तो सर साथ में सैर कर लें हाँ साथ में सैर कर लेते हैं या ड्राइव पे चलते हैं क्योंकि ड्राइव और सैर में नज़र नहीं मिलती है <laughs> साथ बैठे हैं नज़र नहीं मिल रही है नज़र मिला के बात करना बहुत मुश्किल होता <laughs> है मुश्किल होता है तो वो हमेशा बोलेंगे सर सैर कर लेते हैं या ड्राइव पर चलते हैं तो ड्राइव पे हम जा रहे हैं मैं ड्राइव कर रहा हूँ साथ में बैठ रहे हैं। अब जब वो कहे कि सर कल जो मीटिंग हुई सब चीजें बढ़िया रही लेकिन एक बात को लेकर थोड़ी सी दुविधा मन में आ रही थी मुझे लगा पूछ लू आपसे वो ये नहीं कर रहा कि आपने गलत किया पूछ लू आपसे और मुझे ये समझ जाना है कि कोई गलती हुई है पूछ लू वरना कोई पूछेगा भी नहीं तो अब मैं उस मोड में आ गया हूं कि शायद कोई गलती हुई है पूछ लू बताऊ तो सर ये जो चीज हुई थी ना अगर ये ऐसे होती तो ज्यादा अच्छा रहता। इतना मुझे मेरे दिमाग में नहीं है ये बात क्योंकि अगर मैंने कह दी तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी अगली बार से वो नहीं बताएगा आपको आपको भी तो ऐसे लोग चाहिए जो बता सकें कि आप कहा गलत हैं बिना वो खतरा नहीं बन रहा

मैं ये कह कि घर भी आ गया अपने उसके बाद डेप्यूटी सी ने मैसेज किया कि सर थोड़ी बात करनी है तो मैंने कहा अर्जेंट है बोलो नहीं सर कल बात कर लेंगे मैंने ठीक है मैं नेक्स्ट डे गया फिर वो मेरे पास आके बोल रहे कि सर आपने जो कल मेल भेजने को कहा था हमने भेजा नहीं है रोक लिया सिर्फ पूछने के लिए कि क्या मेल भेजने से पहले एक बार फ़ोन पे बात करके थोड़ा समझा देना ठीक नहीं होगा उनको नहीं सॉरी उन्होंने ये बात मुझे फोन पे कही कॉन्फ्रेंस कॉल पे कही और मुझे लगा कि इतनी छोटी सी बात मुझे क्यों नहीं समझ में आई तो मैं जो करता हूं हम तीनों का ग्रुप है मैंने उस ग्रुप पे लिखा तुरंत मैसेज उन दोनों का नाम लिखा एक्स एंड वाई कि आप लोगों ने बहुत सही सलाह दी मैंने सोच पाया था और आपका धर्म है जहां जहां मैं गलती करूँ टोकते रहें समझाते रहें एंड कॉन्ग्रेचुलेशन विल्डन अगर मेरे सेप्टिव हूँ तो वो अगली बार सुझाव देंगे hmm. नहीं है तो कोई क्यों देगा hmm. और रिकम्यशन स्किल्स हैं क्योंकि वो ये बात कड़वाहट से भी कह सकते थे बिना कड़वाहट के अपने बॉस को समझा पाना और बॉस रिसेप्टिव हो तो चीजें आसान हो जाती हैं